हिंदुत्व के सहारे लगातार आगे बढ़ती बीजेपी के सामने चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत सरकार की ओर से एक ऐसा पैंतरा चला गया जिसने बीजेपी को उसकी रणनीति पर ही सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल गहलोत सरकार ने 1500 ग्राम पंचायतों में गायों के आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए, हर गांव गौशाला के निर्माण और रखरखाव के लिए 1 करोड़ यानी लगभग 1,333 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार प्राथमिकता के आधार पर 1-1 करोड़ रुपए की मदद से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी। योजना के तहत साल 2022-23 में 200 और 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में गौशाला स्थलों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 90% और लगाने वाले संस्था की ओर से 10% राशि दी जाएगी। बीजेपी अभी इस फैसले का मतलब समझ ही पा रही थी कि सरकार ने अपने एक और आदेश के तहत राज्य में प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के कार्यरत अंशकालीन पुजारियों के मानदेय को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। यही नहीं, देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाले 593 मंदिरों में पोषक रंगाई पोताई मरम्मत और उन्नयन के कार्य हेतु 5.93 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। एक के बाद एक ऐसे फैसलों से बीजेपी अब सरकार पर सवाल उठा रही है। कभी मंदिर की शरण लेते हैं, कभी पुजारियों के मानदेय बढ़ाने की बात करते हैं। सर्वाधिक मंदिरों में चोरी जिस सरकार के कार्यकाल में हुई, अब वो मंदिर की सुरक्षा और मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं। मैं समझता हूँ इन सारी बातों को लोग अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति, सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान जलता रहा और अब चुनाव से ठीक 5 महीने पहले एक मुखौटा उड़ा है, इससे कामयाब होने वाले नहीं। वहीं सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरीवास की माने तो बीजेपी झूठ और फरेब की राजनीति करती है। अशोक गहलोत पहले चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने गौशालाओं के लिए अलग से 500 करोड़ रुपए का फंड दिया और गौशालाओं के लिए एक कमीशन बनाया, एक बोर्ड बनाया, फिर एक डिपार्टमेंट बना दिया गौशाला का। तो अशोक गहलोत नहीं बनाए, सच है वो तो सब दुनिया जानती है कि मंदिरों के लिए गौशाला के लिए काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया है और ये सारा काम अशोक गहलोत ने पिछले शासन में कर दिया था जब हमारी सरकार। वह हिंदुत्व की बात करने वाले को भी अशोक गहलोत सरकार के इस कदम पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त में उन्हें भगवान याद आते हैं, लेकिन तुष्टिकरण उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने कर्नाटक में बजरंगबली को चुनावी हथियार बनाकर भी जनता का भरोसा नहीं जीत पाई थी। हालांकि बीजेपी के वोट शेयर में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा गिरावट आई है। साफ है कि बीजेपी अपने कोर मुद्दे से हट नहीं सकती है, लिहाजा गहलोत सरकार ने भी सही समय रहते हुए इसका कांट ढूंढ लिया है। भले ही राजनीति में जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले अशोक गहलोत इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही उनकी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को लागू कर दिया है, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लोगों को दे रही है और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी लोक लुभावने वादों को भी पूरा किया है, लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है तो बीजेपी के सामने कांग्रेस की बिल्कुल नहीं चलती। यही कारण है कि सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने गो निर्देशालय का गठन भी कर दिया ताकि हिंदुत्व की छवि के साथ वे सत्ता में आगे बढ़ सकें। अब जब चुनाव सर पर हैं तो अशोक गहलोत की तरफ से गौशालाओं के लिए 1,333 करोड़ रुपए की बड़ी योजना का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मंदिर के पुजारियों को भी उन्होंने मानदेय को बढ़ाकर 3,000 से 5,000 कर दिया और मंदिरों में नियमित पूजा पाठ के लिए भी उनकी सरकार की तरफ से रकम देने की बात कही गई है। ऐसे में यही देखना होगा कि अशोक गहलोत का यह सॉफ्ट हिंदुत्व इन चुनावों में कितना असरकार साबित होता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।